ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर बांदा से है, जहां भीषण गर्मी में लू लगने से गुमटी दुकानदार की हुई मौत। अगली खबर धार से है, जहां रोशन नर्सिंग कॉलेज को प्रशासन ने किया सील। साथ ही अगली खबर जालौन से है, जहां ज्ञात कारणों के चलते क्रिकेट मैदान में लगी भीषण आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से, जहां बता दें कि बांदा जनपद के बबेरू कस्बे की गल्ला मंडी में लू लगने से एक गुमटी दुकानदार की मौत हो गई है। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बबेरू कस्बे के गल्ला मंडी के नहर पटरी गायत्री नगर मोहल्ले के रहने वाले सुरेश गुप्ता पुत्र परागी लाल गुप्ता उम्र करीब 50 वर्ष गल्ला मंडी में गुटखा चाय की दुकान करता था। जानकारी के अनुसार वो बुधवार को दोपहर में दुकान से घर जाते समय रास्ते में गिर पड़ा और लगभग 2 से 3 घंटे वहीं पड़ा रहा। जब लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों व अन्य लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए देर शाम मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है, जिसका आज पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी। परिजन व अन्य लोगों के अनुसार मौत की वजह भीषण गर्मी के चलते लू लगना बताया जा रहा है। अचानक घटी इस घटना से परिजन बेहाल हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये मंडी में ये दुकान करता था सुरेश गुप्ता नाम का, हाँ, जो लू के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कैसे जानकारी हुई? एक दो घंटे पहले लोगों ने जब देखा, क्योंकि मृत पड़ा था, आज बुधवार बंदी थी, वहाँ कोई था नहीं। जब लोगों को जानकारी हुई तो घर में सूचना दी गई। सूचना के माध्यम से पुलिस भी पहुंच गई थी और फिर कहाँ अस्पताल लेके आए। फिर डॉक्टर ने देखा, क्या बताया? मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, पुलिस कहाँ ले जा रही है? अब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज गई। अच्छा, मौत का कारण कुछ स्पष्ट हो सका है? लू लगना उचित हो रहा है। आपका? मेरा नाम राम कृपाल है। क्या घटना हुई है? ये घटना लू से लगने से जो है उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, कैसे जानकारी मिली आपको? वहीं मंडी परिसर में काम करते थे, तो वहीं से दो लोग घर पहुँचे, सूचना दिए, तो सब लोग गए। हाँ, फिर अस्पताल लाया गया, फिर इसके बाद जो डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं क्या पुलिस? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए जो है अभी बांदा के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, काहे की दुकान करते थे ये? ये वही डिब्बा रखे थे श्री पान चाय वाला। अच्छा, और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, और इनके पास जो है 3 छोटी बच्चियां हैं जी, और एक लड़का है, वो भी नाबालिग है सारे लोग। इस तरह जो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है इनकी। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। सर, एक व्यक्ति को अस्पताल लेके आया गया है, क्या नाम? सुरेश गुप्ता, सन ऑफ परागी लाल गुप्ता, को अस्पताल में लाया गया था। ये तिनवारी रोड नहर पटरी के रहने वाले हैं बबेरू में, और इनको मेरे द्वारा मृत घोषित किया गया है। परिजनों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर जितने भी डिफाल्टर नर्सिंग कॉलेज थे उनको सील करने का आदेश दिया गया था, जिसके परिपालन में धार के डिफाल्टर रोशन नर्सिंग कॉलेज को धार SDM रोशनी पाटीदार व उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा रोशन कॉलेज को सील कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि रोशन कॉलेज की वेबसाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें पता प्रकाश नगर मकान नंबर 4 ब्रह्मकुंडी रोड का पता दे रखा है। साथ ही रोशन कॉलेज यहीं से संचालित हो रहा था। साथ ही पीड़ित छात्र छात्राओं में रोशन कॉलेज के विरोध में यहां कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कई बार एक्शन भी लिया था। रोशन कॉलेज के द्वारा ब्रह्मकुंडी रोड पर धार SDM रोशनी पाटीदार के द्वारा इस भवन में आकर करीब 1 घंटे तक कागज टटोले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई कागज ऐसे नहीं मिले इस कॉलेज को निर्दोष करार दिया जा सके। हालांकि अधिकारी के मुंह से भी यही बात कही जा रही थी कि कॉलेज डिफॉल्टर है। हालांकि 1 घंटे तक इस कॉलेज की जांच होती रही। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम अचानक उठकर सिल्वर हिल कॉलोनी चली गई, जहां पर रोशन कॉलेज के नाम से एक किराए से लिए गए मकान को सील कर हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन को दर्शाया गया। इस विषय में SDM रोशनी पाटीदार से जब ये प्रश्न किया गया, जिस कॉलेज को आपने सील किया है वो तो एक किराए से लिया गया मकान है, इस पर SDM ने उत्तर दिया कि इसकी जानकारी हमें मिली है, जांच करने के लिए एक दल गठित किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में SDM धार रोशनी पाटीदार का क्या कुछ कहना है। जैसे कि कल नर्सिंग कॉलेज सील करने की कार्रवाई की, क्या है वो? जैसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में धार जिले में कुछ 4 कॉलेजों को की मान्यताएं रद्द की है, तो उसी के पालन में आज कल धार सब डिवीज़न में एक रोशन कॉलेज था,
तो उसको भी हमने सील किया है और कोशिश की है, वहाँ कुछ बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम्स बाकी हैं जो पीजी कॉलेज में होने वाली है, तो उनको किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो और एग्ज़ाम उनके सुचारू रूप से कंडक्ट हो सके, तो उसको उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कल रोशन कॉलेज को सील किया है। जैसे कि मैडम रोशन कॉलेज की वेबसाइट अगर देखें तो उसमें पता जो है ब्रह्मा कुंड का होता है जी, कल हमने इसकी जांच की है और इसकी विस्तृत जांच के लिए हम एक दल गठित करेंगे और इसकी फिर से जांच करेंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। हरदोई तहसील विकासखंड टडियावा ग्राम पंचायत पुरवा देवरिया में किसानों की इच्छा के विरुद्ध किसानों के प्रबल विरोध के बावजूद वर्ष 2008 से ग्राम पंचायत पुरवा देवरिया ब्लॉक व थाना टडियावा परगना गो पामो तहसील व जिला हरदोई चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन है, जबकि ग्राम के लोग चकबंदी बिल्कुल नहीं चाहते। ग्राम के किसान उपरोक्त के संबंध में कई बार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चकबंदी के विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। ग्राम के कुछ गिने चुने लोग चकबंदी के अधिकारियों कर साठगांठ पैसे के बलबूते निजी हितों को साधने में लगे हुए हैं और कम पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब किसानों की अपूर्णीय क्षति कराने में लगे हुए हैं, जबकि पूर्व में चकबंदी हो चुकी है उसी में किसान संतुष्ट हैं, इसलिए दोबारा चकबंदी कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा चकबंदी प्रक्रिया से ग्राम में गुटबाजी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, इसलिए किसान अपने ग्राम में ही भूख हड़ताल कर अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। राष्ट्रीयतावादी किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष रामलखन पाठक, किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। आप रामलखन पाठक, जिला अध्यक्ष हरदोई भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। ये जो किसान महापंचायत की भीड़ इकट्ठी है यहाँ, किस हेतु और क्या प्रयोजन है? किसान महापंचायत नहीं, वर्ष 2008 में चकबंदी प्रारंभ हुई ग्राम पंचायत पुरवा देवरिया ब्लॉक व थाना टडियावा तहसील व जिला हरदोई परगना गोपामऊ। 2008 में चकबंदी यहां पर प्रारंभ हुई और तब से बराबर लंबित है, जबकि यहां का बात यह है कि इस गांव में पूर्व में भी चकबंदी हो चुकी है और यहां के जो काश्तकार हैं किसान हैं पूर्व में हुई चकबंदी से ही पूर्णतया संतुष्ट हैं और अब दोबारा ये चकबंदी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसी कारण से किसानों के विरोध के चलते 15-16 वर्ष बीत गए लेकिन चकबंदी यहाँ की पूर्ण नहीं हो पाई और चकबंदी यहाँ हो भी नहीं रही है। यहाँ तो खुलेआम डकैती हो रही है। मान्यवर, फार्म 23 बढ़ता है और फार्म 23 पहले एसीओ काटते हैं, चक काटते हैं, उसके बाद सीओ चक काटते हैं, उसके बाद एसओसी चक काटते हैं, उसके बाद फार्म 45 बनता है और उसके बाद में पैमाई शुरू होती है। यहाँ पर एसीओ ने चक काटे और पैमाई शुरू कर दी गई, फार्म 23 का वितरण नहीं किया गया, फार्म 23 लोगों को मिले नहीं। और अब कल जब हम लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब कल जाकर के गांव में डुग्गी पिटवाई गई और फार्म 23 बांटने का काम कल प्रारंभ किया गया, लेकिन पैमाइश का कार्य 8 दिन 10 दिन पहले से ही चल रहा है। ये तो खुलेआम डकैती है। एसीओ के चक काटने के बाद में कभी भी पैमाइश होते नहीं देखा और पुलिस के बल पर, पुलिस की लाठी के बल पर जबरदस्ती लोगों की खेती छीनते हुए चकबंदी वालों को हमने पहली बार पुरवा देवरिया में देखा है। इसके पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एसीओ ने चक काटे हो और एसीओ के चक काटने के बाद सीधे सीधे पैमाइश शुरू हो गई हो, फार्म 23 किसानों को वितरित किए गए हों और पैमाइश का काम शुरू कर दिया गया हो। अगर कोई किसान कहे कि इसमें हमारी हकदल्फी हो रही है तो प्रधान जी फौरन पुलिस को बुला लें और पुलिस वाले धक्के मार करके उस किसान को पीछे कर दें या डंडे मार करके उसको चुप करा दें, और अगर पुलिस के धक्के और डंडे से भी चुप न हो तो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा करके थाने में ले जा करके हवालात के पास बैठा दें ताकि उसका मुँह बंद हो जाए। और किसानों का जबरन मुँह बंद करके जबरन चकबंदी करने का जो कुचक्र चल रहा है यहाँ पर, इसको भारतीय किसान यूनियन सफल नहीं होने देगी। इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इस जबरन चकबंदी को, अवैध चकबंदी को, खुलेआम डकैती को रोकने का काम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी करेगी। इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े। जय जवान, जय जवान, जय जवान। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। किसान
नेतों का हनन हुआ तो, किसान नेतों का हनन हुआ तो, किसान नेतों का हनन हुआ तो, किसान नहीं अकेला है, किसान नहीं अकेला है, किसान नहीं अकेला है, किसानों से जो टकराएगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां हरदोई गुर्जर में दिन बुधवार को करीबन 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते क्रिकेट के मैदान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जहां राहगीरों ने आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की, तब कहीं आग ने अपना तब तक विकराल रूप तक नहीं छोड़ा। इसके बाद राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।